बाद स्नोफॉल बहुत ही हैवी सीन हो गया है, बहुत ही तेज स्नोफॉल है। कभी तो यार उधर तो बहुत बर्फ पड़ी है, बर्फ है, बहुत मुश्किल इलाका है। टेस्ट आ रहा है इतना जबरदस्त। इस रूम में, एक रूम में हम छह बंदे सोएंगे। खराटे मारते हैं जी, क्या करेंगे? ऐसे ऐसे खराटे मारते हैं कि सांस की आवाज आती है। ये रास्ता आ रहा है आपका बाबूसर टॉप का। 1000 रुपए का डीजल लग चुका है और हमारा खाने पीने का खर्चा टोटल 4 से 5 हजार रुपए हुआ है। और यहाँ पे अल्लाह पाक का हुक्म है और ये पानी इतना गर्म है कि इसके अंदर हाथ नहीं आप डाल सकते। अच्छा, ये पत्थर की बनी हुई है? ये पत्थर की बनी हुई है। अच्छा, और ये काफी महंगा इसका पॉट है, तो 1.5-2 लाख रुपए का। अच्छा, 1.5-2 लाख रुपए का पॉट है यार, कमाल है यार। एक महीना पूरे प्रिजर्व रखे सारी बोरत लेक, और ये टोटली जम के छत बन चुकी है, पूरा पानी के ऊपर कोरे का एक ककर का छत बना हुआ है। मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, ये ककरोच झील के अंदर ही जम चुका है। अभी अभी हमें एक मारखोर नजर आ गया है, जो कि मेरा बहुत पुराना दरीना ख्वाब है कि मैं इसकी ड्रोन फुटेज लूं। हो, गाड़ी के ऊपर चेक करें स्नो कितनी पड़ी है। जी मालिक साहब, क्या कर रहे हैं? गाड़ी को सैवी भाई तेल लगा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप मार रही है। हाय ये मजबूरी कैसी है तूरी, दास्तां ये कैसे रह गई अधूरी। ये आपस में लड़ पड़े थे दोनों दोस्त, अब इन्होंने रजीनामा किए, तो वहीं पे खाना पकाना भी करेंगे लाइव स्नो में, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। स्नोफॉल इतनी ज्यादा हो गई है कि रास्ता भी मुश्किल से दिखाई दे रहा है। घी भी गलने में इतना टाइम ले रहा है, अंडा कैसे पकेगा मैं तो ये सोच रहा हूँ। आज का टूर मेरा इन कमीने दोस्तों के साथ है। ये सुबह 5 बजे का मुझे इन्होंने बुलाया हुआ है और अभी ये निकल रहे हैं। ये जरा बेग साहब को देखें, ये बेग साहब है, और जरा देखें अपने से ज्यादा वजन उठा के बंदे का क्या हाल होता है। ये आगे जी सफुला को लाल साहब, इनका गंजा चेक करें, जरा गंजा इधर मोड़े जी। एबटाबाद में कोरे की ये पोजिशन है, तो आप ऊपर अंदाजा लगा लें कि जिधर हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या पोजीशन होगी। आज वेदर काफ़ी क्लियर हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो स्नोफॉल होगी। लोग कहते हैं कि रिपोर्ट देख के जाया करें, तो मैं हम ऐसा करते हैं कि जब रिपोर्ट वेदर की ख़राब हो तो फिर हम जाते हैं। कैमरा के 2 बैग्स हैं, एक मेरा बैग है, वो फिट आ जाएगा पता चल। बैग कौन सा है? एक आगे सीट पे पड़ेगी। ओहो, बंदा कैसे बैठाएंगे ये, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही है। तो अभी एक बैग बाहर है और गाड़ी हमारी हो चुकी है फुल टका टक। कौन सा बैग रह गया जी? ओहो, एक बैग आगे भी है। ओ यार, जगह क्या ये ऊपर की तरफ, बस चली भी आए आप बैठे। बैग साहब, ये हमारे ग्रुप लीडर है, बहुत ठंड है, सिर्फ इनका एक ही काम है कि हवा से उड़ ना जाए, बाकी ये बहुत अच्छे बंदे हैं।
इनके लिए हम सामान हमने सारा चकाचक कर दिए और ये टेंट को हमने कर दिया क्लोज। आज 26 जनवरी 2023 और ये साथ मेरी पलटून रेडी है और गाड़ी में हमने सामान वगैरह पैक कर लिया है, निकल रहे हैं एबटाबाद सुबह के 9 बजे तकरीबन। और आज हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि उंजा की तरफ मूव करेंगे और हमने आगे गिरगिट से होते हुए स्कर्दू भी जाना है। आपको इंशाल्लाह जमी हुई हमोश वाटरफॉल, मंठोका वाटरफॉल और कागल से आता हुआ जो दरिया है इंडस रिवर वो जमा हुआ दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आगे आपको खलती लेक जो है वो जमी हुई दिखाऊंगा, अताबाद लेक, ये सारे इलाके जितने भी हैं फ्रोजन है इस टाइम पे और इंशाल्लाह वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, सिर्फ आपने साथ आना है। पलटून सारी बैठ चुकी है, चलो भाई सब सफर की दुआ पढ़ ले। सुभान अल्लाह जी सखर लना हादा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो आयतुल कुर्सी 3 दफा पढ़ के जब भी निकले सफर पे तो फिर अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह हाफिज़। दो दो जैकेटें हमने पहन ली हैं, स्कर्दू की पूरी तैयारी है। रास्ता हमने कर लिया, कलंदराबाद से स्पेशल कबाब खाया है और गाड़ी का चार्जर यहाँ से लिया है, चार्जर नहीं था गाड़ी में, ये इन भाई की काविश है। और अभी हम इंशाल्लाह कलंदराबाद से मूव कर रहे हैं। टाइम क्या हो गया जी, 10 बज गए, 10 बज गए हैं जी, 10:45 जी, टाइम हमारा थोड़ा वेस्ट हो गया, अभी निकल रहे हैं मोटरवे से इंशाल्लाह। मांगल से हम मुड़ चुके हैं मोटरवे पे गिलगित वाली साइड पे, ये आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड, मानसेरा वाले मोटरवे पे आपने पढ़ना है, यही गिलगित वाली साइड पे जाएगा और यही इंशाल्लाह हमें अब थकोट तक लेके जाएगा। थकोट तक कितना टाइम लगेगा जी? 2-2.5 घंटा भी कह रहे हैं, मैं आपको मौके पे जाके बताऊंगा, इन बच्चों का आपस में इत्तेफाक नहीं है। डीजल हमने डलवा लिया है, यहाँ से गाड़ी हो चुकी है हमारी चकाचक, टैंकी फुल, क्योंकि आगे आपको पता है आजकल पेट्रोल डीजल जो है वो शॉर्ट हुआ हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ से डीजल इतना महंगा 229 रुपये लीटर और 16,000 रुपये का, 15,500 रुपये का डीजल यहाँ से डल गया। अगर आपने डीजल फुल कराना है तो मोटरवे पे चढ़ने के बाद मांगल से आगे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ये इंटरचेंज वर्क करने शुरू हो गया, कुछ अर्सा हो गया, 1-2 साल ये इंटरचेंज है और यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप और खाने पीने की अशिया मैसर है, वो सामने वाली साइड है और ये हम इस साइड से डलवा के निकल चुके हैं रोड पे। असल में आवाज बेग साहब की ज्यादा प्यारी है इसलिए मैंने डेक बंद कर दिया है। बेग साहब आप सुनाएं जी, आप सुनाएं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आप काश टीवी पे गा रहे होते ना मैं टीवी को बंद कर लेता, आपका मुंह कौन बंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह 21 किलोमीटर पैदल जाके मैंने, ये आपको अगर नजर आ रही हो तो चुरको पीक 3 दिन पैदल जाके मैंने सबमिट की थी 21 किलोमीटर ट्रैक करके, आज तो वो बहुत ही प्यारी प्यारा व्यू पेश कर रही है। मोटरवे पे हमारी गाड़ी रुक चुकी है बिकॉज ऊपर से ये टेंट का कवर ही खुल गया है, सारा उड़ के पीछे चला गया। मोटरवे पे जब भी आए तो अपने सामान को मजबूती के साथ एक दफा ही बांधे ताकि आपको इस तरह के हमारी तरह ख्वारी ना करनी पड़े। अभी ये देखें ये ऊपर से सारा खुल चुका है, इसको भी बांधते हैं सही करके और फिर से चलेंगे। क्यों जी? हेलो अस्सलाम यार, हमने जगह हम पीछे जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पीछे जगह नहीं बन रही थी इसलिए हम आगे बैठ रहे हैं। चार बंदे एक सीट पे बसाए हुए मैंने, हम बंदे 5 हैं लेकिन सामान 12 का लेके जा रहे हैं, सही हो गया। बंदे कम और समझदार ज्यादा है। थाकोर से आगे निकल चुके हैं और मस्जिद में पहुंच चुके हैं, लड़के कर रहे हैं वजू। पानी ठंडा बर्फों वाला पानी है और बाहर हवा भी बहुत तेज चल रही है और पहाड़ों पे बर्फ तो आपको पता ही है पड़ी हुई है, सही इसी वजह से ठंडी हवा है बहुत ज्यादा काट रही है। क्यों जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नमाज कायम करें। ये भाई किधर जा रहा है? हम स्कर्दू जा रहा है।
कद्दू तो यार उधर तो बहुत बर्फ पड़ी है, बर्फ है, बहुत मुश्किल इलाका है। मुश्किल इलाका है? हाँ ना, पहाड़ी है ना। बर्फ में तो ज्यादा मजा आएगा। मजा तो आएगा, सर्दी तो है ना। सर्दी भी है, सर्दी बहुत। आप जा सकते हैं? हाँ जाओ। ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एबीसी आता है, किसको आता है सुनाओ जी, एबीसी सुनाओ। माशाल्लाह, नमाज पढ़ ली है हमने, था कोर्ट में, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं क्योंकि रास्ते में बस कुछ थोड़ी बहुत आउटिंग और मजे लेते हुए हम थोड़ा सा लेट कर गए हैं और जा रहे हैं हम था कोर्ट के रास्ते से, क्योंकि बाबू सर टॉप वाला जो रास्ता होता है वो सर्दियों में बंद हो जाता है 3-4 महीनों के लिए, नवंबर दिसंबर में बंद होता है और फिर अप्रैल मई तक जब तक बर्फबारी वहाँ से ख़त्म नहीं होती, बर्फ जो रोड पे पड़ी होती है वो क्लियर नहीं होती तब तक वो रोड बंद रहता है, इसलिए ये चलास वाला और था कोट वाला रूट ये यूज़ किया जाता है और ये रूट उस रूट से काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाता है और यहाँ पे तकरीबन 5-6 घंटों का जहाँ तक मुझे मैंने सुना है कि ये लंबा पड़ता है। अब जाते हैं, देखते हैं ये कितना कुछ लंबा पड़ता है, आपको साथ साथ दिखाते हैं इसके। जिस तरह सोन हलवा होता है ना उस तरह ये जखनी में तैयार किए गए स्पेशल चावल है, लेकिन बहुत ही मजेदार माशाल्लाह टेस्ट आ रहा है, इतना जबरदस्त। बस हो रहे हैं, हमारे पास टाइम कम था, बशाम के बाजार में रुके, हमने कहा कोई फास्ट फूड खा लेते हैं, क्विक क्विक सी फूड हो, और यहाँ पे हमें मिले ये देग में पके हुए चावल और ये गोश्त की जखनी में बनाए जाते हैं। भाई जान, आपकी दुकान का क्या नाम है? आपकी दुकान का कोई नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है, छोटी सी दुकान है, लेकिन ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक दफा आपने आके यहाँ से इनसे भाई से चावल खाने हैं, बहुत मजे के चावल हैं। इस बाजार का नाम क्या है? बशाम का बाजार, बशाम का बाजार है और ये बहुत प्यारी जगह है और व्यूज भी बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, ये भी व्यू चेक कर ले ऊपर, और माशाल्लाह कह रहा हूं कि ये गाजर का हलवा लेके आया हूं, ये ठंडा हो जाएगा, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, तो लिहाजा सारे जवान मिलके हिम्मत करते हैं, इसको हिम्मत करेंगे। अब बेग साहब खोल भी ले, आपकी तो एक तो जान नहीं है, ऊपर से आपने डब्बे को भी फुल जोर मारा हुआ है। बेग साहब अभी आप यखनी वाले चावल खिलाएंगे, ये खोया भी है इसमें, सामने करें ना। अब करते हैं यार, कब आएगा सामने भाई? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी खाते हैं चलती हुई गाड़ी में जरा सोन हलवा और खा के बताता हूँ आपको कैसा है। बांट बांट के दे रहे हैं बेग साहब, चमचे दे दिए हैं बेग साहब ने। हेलो जी गुलशन भाई, बेग साहब से आसरा ही नहीं हो रहा, ट्रैफिक जैम है, अब मुझे भी चलती हुई गाड़ी में ही खाना पड़ेगा। ये गंदी है या साफ है? यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, था कोर्ट से, सॉरी बिशाम से, एक लेफ्ट साइड पे ऊपर स्वाद को और ये रास्ता आपका चिल्लास को जा रहा है। गाड़ी को रोकना पड़ा है मुझे क्योंकि ये इनकी चमचे चेक करें सब, ये वो तो है, सबर है, बारी मेरी आने दो यार, गाड़ी ना रुकती तो मलिक साहब के लिए बचता ही ना यार। ये देखो अल्लाह माशाल्लाह, बहुत मजे का ठंडा हो गया, चेक करें बहुत मजे का, मलिक साहब के भी आपस में लड़ रहे हैं यार, लड़ो नहीं कम से कम, खाते पीते गए मजेदार, खाते पी रहे हैं तमीज से। ये बंदा चेक करे जरा, इसको नींद आई है, ये अभी मुड़ा है, इसको पहले पता ही नहीं था। आपका मतलब सारे इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, बहू हमारा सो चुका और ऐसा सोया है यार इसको किसी का बाप भी नहीं जगा सकता। शाम के बज रहे हैं 6:45 हो चुके हैं और हम अभी चलास नहीं पहुंचे, अभी हम काफ़ी दूर हैं उससे, 3-4 घंटों का रास्ता रहता है, लेकिन वजह यह है कि एक दोस्त का मोबाइल गुम हो गया था गाड़ी में और वो ढूंढते रहे हैं और अभी आसमान से बातें करते हुए पहाड़ हमारे सामने आ चुके हैं और इन पहाड़ों के हम नीचे नीचे से गुजर रहे हैं, चेक करें व्यू इस टाइम पे। ये
रोड जैम हो चुके हैं यहाँ पे, और हालांकि समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा ये पीछे आए तो वो गाड़ी गुजर जाए बड़ी वाली। काफी टाइम इन्होंने लगा दिया, आप देखें कितना टाइम बनता है। 22 व्हीलर ला रही है जो फंस चुकी है इसमें। अगर हम एक मिनट का सब्र किया करें ना तो इतना टाइम वेस्ट ना हो। आप ये दोनों गाड़ियां जो मेरी तरफ वाली साइड से गई है ना, अगर ये पीछे रुक जाती या वो गाड़ी रुक जाती तो तीनों खुली डुली गुजर सकती थी। बेग साहब के साथ उस दिन हुई है डकैती पिंडी में, और ये उसकी कार्रवाई सुना रहे थे। अभी बेग साहब खामोश हो गए हैं कैमरे के सामने, कहते हैं मैं चोरों के नाम नहीं लेता क्योंकि इनकी पार्टी के सब बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना लूं कितनी पार्टी आती है उस्मान की लाल वाली बात की। अब वाह यार दाल के ना यार बेग साहब को लगी है वो दाल नहीं लाई ना उसने, मुर्गी लाई यार दाल वाली लेके लेट है। चलास में रात के टाइम पे चाइना से चाइनीज का काम इस टाइम क्लोज हुआ है, और चाइनीज अपने कन्वाय में जा रहे थे जिस वजह से यहाँ पे रोड ब्लॉक था, और 20-1 मिनट रहते थे तो हमने कहा चलो यहाँ पे कुछ चाय शाय पी लेते हैं, और ये अभी चाय के बहाने बैठे हैं और खाने में इस तरह बच चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊँगा। अब हमने सोचा कि इनको खाने दें, मैं तो नहीं खाता क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, तो अगर ज़्यादा खा लिया जाए रात को तो बंदा नींद में जा सकता है, और अगर नींद में जाए तो फिर दरिया में जा सकता है। मेरी पैंट की हालत देखी, ये सारी चाय मेरे ऊपर गिरी है। ठहरे जी मैं दिखाता हूँ, इधर इधर दे मैं दिखाता हूँ हालत आपको, जरा मुड़े पीछे मुड़े पीछे मुड़े आप हालत में दिखाता हूँ। अभी ये वीडियो क्लिप आप खुद भी देखिए। जी टोल क्लियर हो गया इस टाइम पे, ये दोस्त मेरे सारे हंस रहे हैं। मलिक साहब के ऊपर वेटर चाय गिरा गया यार, बड़ा जुल्म किया है। बंदे बच गए जी, बंदे बच हो गए, बिल्कुल बच गए। ये क्या हुआ, लैंडस्लाइड लगी आगे, पत्थर आ गए। अभी अभी हम गुजर रहे थे चलास रोड से सुमर नाला के करीब से, और ये ताज़ी ताज़ी लैंडस्लाइड हुई है, ये ऊपर से पत्थर आए हैं, अल्लाह पाक माफ़ करे। और ये कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, और एकदम से कचरा हो गई है। और ये इसलिए जब भी आप अपनी गाड़ी पे बैठें अल्लाह पाक का नाम लेकर दुआ पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के अल्लाह के सपोर्ट कर दें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि आने वाले लम्हों में क्या हो सकता है। ये आप कितनी कीमती गाड़ी करोड़ों रुपये की कचरा होगी, ये पूरी गाड़ी तबाह होगी, ये अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। हज़ारा की मशहूर शख्सियत जिन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ने अवामी खिदमत जी हमारी खिदमत कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर पानी डाल रहे हैं, गाड़ी को ठंडा कर रहे हैं, सैफुल्लाह कल्लाल साहब, वाह वाह सुभान अल्लाह, ओए 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 सारा पानी तो मेरे ऊपर तो आपने फेंक दिया, अच्छी खिदमत कर रहे हो माशाल्लाह, वो देखे पानी भर के ला रहे हैं, वाह। इन्होंने कभी रुआला भी तोड़ के खुद नहीं खाया, बल्कि सॉरी खुद का नहीं खाया। डालने का कितना शौक है इनको, जरा देख भाई पानी डाल रहे जी, भाई पानी डाल रहे ये अपने से बड़ा जग लेके ये आए हुए पानी डालने के लिए। पहुंच चुके हैं कौन सी जगह पे जी, कोहिस्तान चलास के सेंटर में, यहाँ पे पानी शानी डाला है गाड़ी में, और उसके बाद हमने निकाले हैं बुकलावे, और बुकलावे इस टाइम पे ठंडे हैं और बासी हैं लेकिन बहुत मजा दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई मांगने नहीं है। 11 बज के हो चुके हैं 20 मिनट, और हम अभी तक चलास नहीं पहुंचे, अभी तक हम
चलास वाले रोड पे चल रहे हैं। अभी दोस्तों के साथ मशवरा हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि जगलोट जाके रुकते हैं, कुछ कह रहे हैं कि चलास में रुकते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि चलास में रुकें। अभी देखें क्या फाइनल होता है, आपको मौके पे पहुँच के सिचुएशन बताता हूँ। हम मौजूद हैं इस वक्त चलास के बाजार में, रात के महल है, 12 से ऊपर टाइम है, मैंने टाइम नहीं चेक किया। कुछ दोस्त ये पीछे अंदर होटल है, यहाँ पे गए हुए हैं रूम का रेंट पता करने, और कुछ वहाँ से सामने से खाने पीने के लिए कुछ लेने के लिए गए हैं। इस होटल में हमें रूम मिल चुका है 2000 रुपये में, और गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क की है। खाना खाने के लिए हम जा रहे हैं वो सामने, वहाँ पे टोटल 4 रोटियाँ हैं और हम हैं 6 बंदे, क्योंकि अब देखते हैं वो और बनाता है ये क्या, दोस्तों ने बुलाया, जाते खाना खाते हैं, आगे की सिचुएशन आपको उधर ही बताता हूँ। क्यों जी, खाना तैयार है? खाना बस बन रहा है जी, अभी भाई खाना बना रहे हैं। चाय कौन कौन पिएगा? 4 ही रोटियां टोटल, 7 मंगवाई है, ब्रेड मिल गया, चिकन, 7 सब्जी, खीरे। सफोला को लाल साहब, मेहर भाई की ब्रेड गिर गई है चाय में और वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेड के साथ, ब्रेड के साथ, वो देखिए चाय में ब्रेड गिर गई है, उठाएं जी, उठाएं जी, कैसे उठाएंगे जी? रेस्क्यू वाला लाख हो गई, रेस्क्यू वाला कार लाख हो गई। ये रहा हमारा फ्लोर, और यहाँ पे है हमारा रूम। इस रूम में, एक रूम में हम 6 बंदे सोएंगे। गुरबत हो तो ऐसी हो। ये जी बेग साहब की खूबसूरती का राज ये है जी, जो बालों की दवाई मार रहे हैं। ये सफुला का लाल साहब, आप अपना गंजा दिखाएं जी जरा। ये जी, ये हमने रिस्टोर किया। ये क्या है जी, फार्मूला बताइए। ये फार्मूला जी, ये मलक वो स्टेरॉइड्स है जी, ये असली फार्मूला है। अच्छा, ये है, ये कैसे बना है जी, इसके बारे में हिस्ट्री बताएंगे सफोला कर लाल साहब जी। कलवंजी के साथ सलाजीत और उंजा के पहाड़ों का ना धुंधला पानी, ये चीजें जो इस तरह चेहरे पे नूर उधर, ये उधर है। खेल के बड़े हुए हैं, बड़े हुए और इतने बड़े हो गए कि इनका कद इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब ये छत के साथ लगने वाले हैं। चल मैं खराटे मारता है जी, क्या करेंगे, ऐसे खराटे मारता है कि सांस की आवाज आती है। असल में वो सांस ही होता है। अरे सांस आप ऐसे लेते हैं, अगर आप खराटे लेंगे तो वो कैसे लेंगे? सांस आपको कैसे लेते हैं? बहुत नॉटी है, सांस नहीं लेते, आपको छोर करते हैं। इन भाई की हंसी कमाल की है। एक दफा थोड़ा सा हंसे ना प्लीज, थोड़ा सा हंसे ना, थोड़ा सा हंसे। अभी नहीं होता, अभी नहीं होता। चल इनकी हंसी में आपको सुनाऊंगा कहीं। तोबा जी, एक कमरा है पता नहीं, दिन का खाना खिला के मसालों वाला मसाला जाता तो मेरे साहब अंदर भाग गए, कहते मैं शक्ल नहीं दिखाना चाहता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मलिक साहब आपको अपनी जैकेट का कुछ कमाल दिखाने लगे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। दिखाओ जी, मैं आपको एक ऐसी जैकेट दिखाने लगा हूं जो आपको माइनस जितना भी हो उसमें आपके काम आए, माइनस जितना भी हो। अब ये देखें सलमानी जैकेट। इस जैकेट का फायदा ये है कि अगर आप सही बंदे हुए तो आपको ये जैकेट अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा देगी, जैसे कि यार मुझे पहुंचाने लगी है। मैं अपने बेड में पहुंचूंगा। सुबह हो चुकी है, ये हेलो गाइस, हेलो गाइस, और ये जी सफुला का लाल साहब पानी का कहने गए हैं होटल वालों को, उन्होंने कहा अभी 4 बंदे लाइन में हैं
उनको पहले पानी देंगे फिर आपको देंगे। तो हमने ये सोचा है कि जाते हैं किसी वॉशरूम में आगे पंप शम्प पे, वहीं पे नमाज रोज़ा करेंगे, उसके बाद आगे के लिए। आज जुमा भी है, जुमे की नमाज भी पढ़नी है, तो देखते हैं कुछ सिस्टम करते हैं। अच्छा पैंट चेंज करें, मैं ऑन करता हूँ लाइट। चन बर्न हुआ था जी, चन बर्न, चन बर्न। और ये कौन सी आवाज, कौन सी आ रही है? वो साथ में अलार्म भी बज रहा है जी। ना लाइट, ना पानी, ना बिजली, ना गैस। गैस है वैसे, गैस बहुत है, बाकी कुछ भी नहीं। रियो बिस्किट, ये स्पॉन्सर्ड, इन्होंने रियो बिस्किट वालों ने इसको स्पॉन्सर किया है सफोला में लाल को।